गाइस शाओमी ने यार आज की डेट में यार काफ़ी सारे डिवाइसेस के लिए जो अपडेट्स हैं वो रिलीज़ किए। अगर मैं आज की डेट की बात करूं तो भाई काफ़ी सारे डिवाइसेस के लिए MIUI 13 के अपडेट्स 12.5 नेट्स एडिशन प्लस एंड्रॉयड 12 के साथ या फिर इवन एंड्रॉयड 13 का भी रोल आउट शाओमी ने स्टार्ट किया। और यहाँ पर MIUI 14 के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आई है भाई। MIUI 14 की जो नई डेट है रिलीज़ होने की वो यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर कौन कौन से डिवाइसेस को उस दिन अपडेट मिलता है तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो यार इस वीडियो में आपके लिए काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़ है MIUI 13 से रिलेटेड, एंड्रॉयड 13 से रिलेटेड और MIUI 14 से रिलेटेड इवन और भी काफी सारे जो सिस्टम ऐप के अपडेट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तो यार ये वीडियो लास्ट तक का देखते रहिए भाई। चैनल पर अगर पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। गाइस देखते हैं भाई Xiaomi ने आज की डेट में यहाँ पर कौन कौन से डिवाइसेस के लिए जो अपडेट्स हैं इंडिया में रिलीज किए हैं। अगर मैं आज की डेट की बात करूँ तो काफी सारे जो अपडेट्स हैं रिलीज किए। सबसे पहले मैं अपडेट की बात करूँ तो भाई Redmi Note 10 S के लिए इंडिया में एक नया अपडेट जो है वो आज की डेट में रिलीज कर दिया गया है। इसके अगर मैं लेटेस्ट वर्जन की बात करूँ तो भाई 13.0.8.0 है और ये अपडेट आपको 124 MB के आसपास ऑफिशियल साइज मिलता है। सबसे बड़ी बात इस अपडेट में ये है कि भाई इसमें आपको दिसंबर 2022 का जो अपडेट है जो कि सबसे ज़्यादा लेटेस्ट और सबसे ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि अभी तक ये मेरे अंदाजे से किसी भी डिवाइस को दिसंबर का अपडेट जो है वो देखने को नहीं मिला, लेकिन आज की डेट में यहाँ पर रिलीज़ किया है। लेकिन ये जो अपडेट है वो अभी MI पायलट टेस्टर्स के लिए टेस्टिंग में रिलीज़ किया गया है। आपको विद इन द 1 वीक सबको देखने को मिल जाएगा। इसका फुल फीचर रिव्यू आपको बहुत जल्द चैनल पर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की मैं बात करूँ तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ पर MI 10 इंडिया स्टेबल 13.0.6.0 का एक न्यू अपडेट जो Xiaomi ने आज की डेट में रिलीज़ किया है। इस अपडेट की मैं बात करूं तो भाई नवंबर 2022 का जो एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच है वो इस अपडेट में देखने को यहां पर मिलता है। तो अगर आप यहां पर MI 10 यूज़ करते हैं इंडिया स्टेबल तो भाई अपडेट आ गया है, डाउनलोड करके फ्लैश कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की मैं बात करूँ तो देख सकते हैं Redmi Note 10 के लिए भी एक नया अपडेट आया है 13.0.9.0 जो कि भाई अभी चाइना में रिलीज़ किया गया है। बहुत जल्द यही अपडेट जो है इंडिया में आने वाला है और सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन प्लस परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया है और इसके साथ ही सिस्टम की जो सिक्योरिटी है उसको स्टेबिलिटी के रूप में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनहेंस किया है। तो भाई ये अपडेट आया है और बहुत जल्द इंडिया में भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। और नेक्स्ट अपडेट की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं पोको M5 इंडिया स्टेबल 13.0.9.0 का सेम वर्जन यहाँ पर मिलता है। इस अपडेट को यहाँ पर Xiaomi ने रिलीज़ किया है इंडिया में और इंडिया में ये MI पायलट टेस्टर्स के लिए आया है। और इसके अगर मैं सिक्योरिटी पैच की बात करूँ तो नवंबर 2022 का जो सिक्योरिटी पैच है वो इस अपडेट में भी आपको देखने को मिलता है। काफ़ी जल्द यार ये अपडेट जो है सारे यूजर्स को इंडिया में देखने को मिल जाएगा। गाइस अब नेक्स्ट न्यूज़ की मैं बात करूँ तो भाई MIUI 14 की जो नई रिलीज डेट है वो यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर 11 दिसंबर को यानी कि जो यहाँ पर अपकमिंग जो डेट आने वाली है 11 यहाँ पर दिसंबर में आपको इसका जो रिलीज़ है वो यहाँ पर होने वाला है। Xiaomi ने इस चीज़ को कन्फर्म किया है। और अगर मैं चाइना के अकॉर्डिंग बात करूँ तो इंडिया में आपको ये 7 PM यानी कि 7 बजे इवनिंग में इसका जो लाइव इवेंट है वो देखने को मिलेगा। चैनल पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पर लाइव स्ट्रीम देख पाएंगे आप। यहाँ पर Xiaomi 13 और 13 Pro वगैरह जो है लाइव यहाँ पर जो है रिलीज़ किया जाएगा। उसी के साथ आपको MIUI 14 का भी लॉन्च लाइव इवेंट जो है वो देखने को यहाँ पर मिलेगा 11 दिसंबर को। तो भाई चैनल से स्टे ट्यून रहिए, सारी इन्फॉर्मेशन MIUI 14 की मिलती रहेगी। गाइस यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की मैं बात करूँ तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं Redmi Note 11 S के लिए एक नया अपडेट आया है 13.0.4.0 जो कि भाई EA स्टेबल है। और इसके मैं सिक्योरिटी पैच की बात करूं तो भाई इस अपडेट में आपको नवंबर 2022 का जो सिक्योरिटी पैच है वो देखने को मिलता है। काफ़ी बड़े अपडेट है यहां पर रिलीज़ किया गया। और यहां पर आप देखेंगे Redmi 90 ग्लोबल स्टेबल 13.0.2.0 का एक लेटेस्ट न्यू अपडेट जो है यहां पर रिलीज़ किया गया है। तो अभी आप इस अपडेट में भी देख सकते हैं भाई दिसंबर 2022 का जो सिक्योरिटी पैच है मिलता है। इवन मुझे यहां पर दो ही डिवाइस ऐसे देखें जिनमें भाई दिसंबर का जो सिक्योरिटी पैच है वो देखने को मिला। तो काफ़ी जल्द और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट अपडेट की मैं बात करूँ तो भाई MIUI 13 और 12.5 के जो सिस्टम ऐप्स के अपडेट हैं काफ़ी सारे यार। यहाँ पर Redmi Note 8 Pro के लिए यहाँ पर एक न्यू अपडेट जो वो रिलीज़ किया गया। अभी आप देखेंगे MI Notes का एक लेटेस्ट अपडेट जो वो यहाँ पर Xiaomi ने रिलीज़ किया है जो कि भाई स्टेबल अपडेट है। ये आपके Redmi Note 8 और Redmi Note 8 Pro दोनों ही डिवाइसेस के लिए रिलीज़ किया है। इसमें आपको काफ़ी सारे जो नए फीचर्स हैं मिलते हैं, काफ़ी बड़ा चेंज होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं नए फीचर्स, नए पेंसिल, वाटर मार्क, यहाँ पर आपको और भी काफ़ी सारे जो स्क्वायर के इसके फीचर्स हैं, वाटर पेन है, वाटर कलर है और मार्कर है और भी काफ़ी सारे जो पेंसिल वगैरह के जो एडवांस टूल हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपको Redmi Note 8 Pro में देखने को मिला है, डाउनलोड कर सकते हैं। और यहीं पे Android Auto का भी एक लेटेस्ट अपडेट मिलता है जिसमें इंडिपेंडेंट UI आपको मिलता है और डू नॉट डिस्टर्ब फंक्शनलिटी का एक नया फीचर जो मिलता है जो कि Redmi Note 8 Pro दोनों ही डिवाइसेज में मिलते हैं। तो भाई इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं मिला तो मुझे आप कमेंट बता सकते हैं, तो मैं इसका लिंक आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। इस अपडेट की मैं बात करूँ तो भाई Redmi Note 10 S के लिए भी काफ़ी सारे जो MIUI 13 के सिस्टम अपडेट्स हैं वो आ रहे हैं। Android Auto का एक न्यू अपडेट जो वो यहाँ पर रिलीज़ किया गया है दोनों ही डिवाइसेस के लिए। और उसके साथ ही कॉन्टैक्ट का एक न्यू अपडेट गूगल की तरफ से रिलीज़ किया। आप यहाँ पर देखेंगे अपडेटेड आइकन देन बेटर
टुडे मॉडर्न एक्सपीरियंस, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो अच्छा एक्सपीरियंस है, प्लस यहाँ पर काफ़ी सारी जो नए लैंग्वेजेस हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है इस अपडेट में। तो ये अपडेट आया है, ट्राई कर सकते हैं। मैसेज बीटा के भी एक नया अपडेट मिलता है, इसमें भी काफ़ी सारे नए फीचर्स मिलेंगे, प्लस काफ़ी सारे बग्स फिक्स मिलेंगे, प्लस यहाँ पर स्टेबिलिटी को भी काफ़ी ज़्यादा शाओमी ने इम्प्रूव किया है। और उसके साथ ही गूगल एंड सर्विसेज का एक न्यू अपडेट मिलता है जो कि कैरियर सर्विसेज है, इसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी सारे जो बग्स हैं वो फिक्सेस मिलेंगे। तो ये सारे अपडेट्स रेडमी नोट 10 इसके लिए मिलते हैं, डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। और गाइस यहीं पर रेडमी नोट 10 प्रो और मैक्स के लिए भी काफ़ी सारे अपडेट्स आ रहे हैं, आप देखेंगे सिस्टम ऐप के काफ़ी सारे जो स्टेबल अपडेट हैं वो यहाँ पर रिलीज़ किए गए हैं। FM रेडियो का एक लेटेस्ट अपडेट मिलता है, डाउनलोड कर सकते हैं। और म्यूज़िक का एक लेटेस्ट अपडेट आया है जो कि रेगुलरली काफ़ी ज़्यादा आपको इंप्रूवमेंट के साथ ही अपडेट मिलता है, बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। प्लस यहाँ पर MI नोट का भी अपडेट मिलता है जो कि भाई आपको रेडमी नोट 10 प्रो और मैक्स में भी मिल जाता है, ट्राई कर सकते हैं। और यहीं पर क्लॉक का एक लेटेस्ट अपडेट आया है, इसमें नए ट्यून्स वगैरह और नए रिंगटोन्स जो यहाँ पर शाओमी ने ऐड की है जो कि काफ़ी बढ़िया है, ट्राई कर सकते हैं। और यहीं पे एप्स वर्ल्ड का भी एक लेटेस्ट अपडेट मिलता है जो कि भाई रेडमी नोट 10 प्रो और मैक्स में ही आया है, डाउनलोड कर सकते हैं। मैसेज बीटा का भी एक न्यू अपडेट मिलता है जो कि काफ़ी बढ़िया है, इसको भी ट्राई कर सकते हैं। और यहीं पे एंड्रॉयड ऑटो का भी एक लेटेस्ट अपडेट आपको रेडमी नोट 10 प्रो और मैक्स में मिलता है, इसको भी आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पर रेडमी नोट 11 प्रो में भी काफ़ी सारे जो सिस्टम के अपडेट्स हैं वो आ रहे हैं। अभी आप देखेंगे कुछ स्टेबल अपडेट्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो कि भाई शाओमी की तरफ से आए हैं। MI गैलरी का एक लेटेस्ट अपडेट मिलता है जो कि भाई आपको इस डिवाइस में यहाँ पर सही तरीके से देखने को मिला, जो कि ग्लोबल वर्जन है। और आप देखेंगे यहाँ पर रिकॉर्डर का भी एक लेटेस्ट अपडेट मिलता है जो कि आपकी स्टेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट, ओवरऑल इसका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पर आप देखेंगे कॉन्टैक्ट का एक लेटेस्ट अपडेट आया है, और उसके साथ ही मैसेज बीटा का भी एक न्यू अपडेट मिलता है। और यहाँ पर आपको फ़ोन अपडेटर यानी कि जो फ़ोन डायलर है गूगल की तरफ से जो अपडेट आता है वो भी आपको मिलता है, जो कि भाई रेडमी नोट 11 और प्रो दोनों ही डिवाइसेज में सही तरीके से मिलता है। यहाँ पर नया एक्सपीरियंस मिलेगा, कॉल जो पिक्सल सीरीज़ का एक्सपीरियंस है, कॉल रिकॉर्डिंग का प्लस कॉल स्क्रीन का, वो आपको यहाँ पर मिलता है, तो उसको भी आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पर दिसंबर 2022 का जो अपडेट ट्रैकर है MIUI 13 का सिक्योरिटी पैच का वो आ गया है, इसमें यहाँ पर सारी डिवाइसेज की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कौन कौन से डिवाइसेज को यहाँ पर जो अपडेट है वो देखने को मिला है। अभी आप देखेंगे आज की डेट की मैं बात करूँ तो रेडमी नोट 10S के लिए 13.0.8.0 जो है वो आया है, यहाँ पर इसको भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। गाइस यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की मैं बात करूँ तो आप यहाँ से देख सकते हैं रेडमी नोट 12 5G सीरीज विल बी लॉन्च इन इंडिया सून। तो भाई यहाँ पर इंडिया में भी ये जो डिवाइस हैं वो आने वाले हैं, इनको बहुत जल्द इंडिया में भी रिलीज़ किया जाएगा। और यहाँ पर जो ऑफिशियल न्यूज़ है वो निकल कर आई है ट्विटर हैंडल से, जो कि यहाँ पर इसके मॉडरेटर वगैरह हैं, उन्होंने ऑफिशियल इसको जो है वो यहाँ पर एनालाइज किया है, मतलब यहाँ पर जो है कन्फर्म किया है। तो ये चीज़ भी कंफर्म है कि भाई बहुत जल्द जो है 12 सीरीज़ के भी जो डिवाइस हैं वो इंडिया में देखने को मिलेंगे, यानी कि नोट 12 सीरीज़ के जो कि काफ़ी बढ़िया जो कि 5G सीरीज़ यहाँ पर होने वाली है। और गाइस यहाँ पर रेडमी K60 सीरीज जो फर्स्ट 2023 फ्लैगशिप लेवल के डिवाइस हैं लॉन्चिंग सून, बॉक्स एंड डिटेल जो है वो यहाँ पर, मतलब बॉक्स और डिटेल जो है वो यहाँ पर लीक हो चुकी है। अभी आप देखेंगे कुछ इस तरीके के इसके जो बॉक्स वगैरह है वो यहाँ पर निकल कर सामने आए हैं, K60 सीरीज़ का ये डिवाइस है, उसके साथ ही आप देखेंगे कुछ इस तरीके का इसका जो बॉक्स है यहाँ पर देखने को मिला है। तो भाई देखते हैं कि भाई क्या स्पेसिफिकेशंस रहते हैं, क्या प्राइस रेंज यहाँ पर रहने वाली है और कब तक ये अपडेट जो है वो मिलेंगे, क्योंकि जो K60 सीरीज़ के डिवाइस हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स MIUI 14 के साथ आने वाले हैं। यहाँ पर इसका जो बिल्ड है वो भी देखने को मिला है 14.0.2.0, 14.0.0.4, तो ये चाइना में जो वो रिलीज़ किए जा रहे हैं, बहुत जल्द देखते हैं कि अगर इंडिया में इसका क्या रहता है, मिलेंगे या नहीं, तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलती रहेगी। सो गाइस यार काफ़ी सारे डिवाइसेस के लिए जो अपडेट्स हैं वो कंटिन्यू आ रहे हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि एग्जैक्टली आपके पास कौन सा मॉडल है और आपके फोन में भाई कौन सा अपडेट यहाँ पर चल रहा है। सो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, भाई चैनल पर अगर पहली बार है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यार आगे भी काफी सारे जो मल्टीपल वीडियोज हैं वो आपको यहाँ पर टॉपिक से रिलेटेड मिलते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।